हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में आपको NCD वर्सेस SAL का एक ज़बरदस्त बेहतरीन टीम देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि मेरी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर टीम क्रिएट करके, बेहतर टीम क्रिएट करके यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि इस मैच की मैं बात करूं तो यहां पर NCD एक बहुत ही मजबूत टीम है। तो SAL से तो मजबूत है, आप आराम से NCD इस मैच को जीत जाएगी। तो मेरा कोशिश यही है कि इससे ही आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन चुना जाए। तो यहां पे मैं बता दूं कि आउटफील्डर मैंने यहां पे चाल लिया है। आउटफील्डर में आपको ऑप्शन में कोई कमी नहीं होगी, थोड़ा सा सोच समझ के आपको ये लेना पड़ेगा ऑप्शन। यहाँ पर आउटफील्डर बहुत ही अच्छे अच्छे फॉर्म में है। यहाँ पे बात करूँ एनसुंग बूम की, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं, आप इनके साथ आराम से जाइए 100%। इनको आप कैप्टन भी बना सकते हैं, इतने ज़बरदस्त ये प्लेयर हैं। यहाँ पे एल्थर को वाइस कैप्टन बना दें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने पाएगी, क्योंकि ये भी एक ज़बरदस्त प्लेयर है, आप इनके साथ भी जा सकते हैं। यहीं पर एक ऑप्शन आपको डंगिक का मिल जाता है, डंग का, तो आप इनके साथ भी जा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आप एल्थर के साथ जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि ये पिछले मैच में ये फॉर्म में नहीं थे और पिछले मैच में इन्होंने अच्छा, एल्थर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो आप इनके साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पे मीन के बदले आप बुक को भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बुक भी पिछले फॉर्म में नहीं थे और उससे कई मैचों में ये फॉर्म में नहीं है बुक, तो आप मेरे हिसाब से आप मीन को लेके चलें, ये भी अच्छे फॉर्म में है, आपको पॉइंट अच्छा दिला देंगे। यहाँ पर आते हैं नीचे, यहाँ पे आप इनके साथ भी जा सकते हैं, पलका के साथ। पलका यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, यहाँ पे 8 क्रेडिट में ये मिल जाएंगे, आपको आसानी हो जाएगी और सारे प्लेयर को लेने पे। और इधर आ जाएंगे तो आपको अच्छे प्लेयर तो मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सुंग का 13 है, तो जो हैवी आपको पड़ जाएगा, शायद बाद में आप अच्छे प्लेयर ना ले पाएँ, तो इसीलिए मैंने पटका को लिया है यहाँ पे। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं, आप इनके साथ जा सकते हैं। थोड़े से सुंग से कम पड़ सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि पटका को लेकर चलें तो बहुत ही अच्छा पड़ेगा। यहाँ पर बात करूँ इनफील्डर के, 3 फील्डर मैंने यहाँ पे चाल लिया है। यहाँ भी ऑप्शन की भरमार है, आप देख सकते हैं के संगसू को आप यहाँ पे ज़रूर लेकर चलिएगा, ये भी एक अच्छे प्लेयर हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। लेकिन SAL से आते हैं तो मेरा यही सलाह है कि आप इन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन ना बनाएं। यहाँ पे आपको NCD की तरफ से ये पी सुकमीन को आप ले सकते हैं, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं, ये भी अच्छे फॉर्म में है, पिछले मैच में इन्होंने अच्छा पॉइंट दिलाया था, तो आप इनके साथ जा सकते हैं। यहाँ पे बात करूँ एल वून जी, तो आप इनके साथ भी जा सकते हैं, पिछले मैच में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो आप इनके साथ जाइए। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लास्ट में आ जाइए, इनको ले लीजिए। देखिए यहाँ पर एस सुंगमू ज़्यादा मैच खेले नहीं हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ले सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट आपका कम हो जाएगा और ये सारे प्लेयर आपको उतना पॉइंट नहीं दिला पाते हैं जितना इनफील्डर दिला सकते हैं। तो आउटफील्डर और इनफील्डर को मजबूत लेके चलिए। सुंग यहाँ पे मैंने इसको एस सुंग को रख दिया है, तो आप इनको ले सकते हैं या और कोई भी देख सकते हैं, इनको लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि पता नहीं हो सकता है खेल भी सकते हैं नहीं भी खेल सकते हैं। यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं केमिन को, केमिन एक ज़बरदस्त प्लेयर हैं, पिछले मैच में खेले थे, इस मैच में भी खेलेंगे, आप इनको आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करूँ तो यहाँ पे आप, मैंने जैसे कहा था NCD की तरफ से सुंग बूम को ले सकते हैं, तो मैंने कैप्टन इनको लिया है, आप एल्थर को यहाँ से वाइस कैप्टन ले लीजिए, ये मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेयर है, आप इनके साथ जा सकते हैं, बेस्ट प्लेइंग 11 है, आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे की वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।